अपन इस वीडियो में बात कर लेते हैं एंजल वन लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एंजल वन में आप देख रहे होंगे आज गैप अप ओपनिंग हुई और स्टॉक में एक हैवी सूट अप रहा है। वॉल्यूम स्पॉट काफी अच्छा था, ऑलमोस्ट 18% अपसाइड मोमेंटम के पे क्लोजिंग रही है। यहाँ पे वजह है क्योंकि कल स्टॉक के नतीजे अच्छे रहे थे और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो एक न्यूज और भी है जो आज ही रही है। ब्रोकरेज फर्म एंजल वन हैज अपॉइंटेड आरिफ मोहम्मद एज चीफ बिजनेस ऑफिसर डायरेक्ट बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए इसमें भी ये न्यूज की वजह से मोमेंटम रहा, बट ज्यादा फैक्टर आया यहाँ पे रिजल्ट का। एक नजर पहले रिजल्ट पर डालते हैं, बाकी चीजें फिर डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट भी हुआ है और यहाँ पे फिर अपन बताता हूँ कि क्या चीज यहाँ पे रहने वाली है, आने वाले टाइम में मोमेंटम कैसा रहेगा। सेल्स यहाँ पे अगर देखें तो 15-15 सीआर की रही है। लास्ट टाइम सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1048 सीआर था, तो यहाँ पे काफी इजाफा है। एक्सपेंसेस 843 सीआर के रहे और लास्ट टाइम 605, तो एज इट इज सेल्स बढ़ी है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो 843 सीआर का रहा है यहाँ पे एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 672 सीआर रहा, लास्ट टाइम 443 था। अदर इनकम ऑलमोस्ट 1 की रही है, इंटरेस्ट 75 हुआ लास्ट टाइम 26, तो इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया। डेप्रिसिएशन यहाँ पे डबल से भी ज्यादा रहा है, 26 सीआर का रहा, लास्ट टाइम ये 11 था। पीबीटी निकल के आता 572 और लास्ट टाइम ये 407 था। और टैक्स परसेंट इस बार 26 का रहा, लास्ट टाइम 25 था। नेट प्रॉफिट निकल के आता है 423 और लास्ट टाइम ये था 304। तो ईपीएस बढ़ के अपना जो हुआ है वो है 46.96, लास्ट टाइम ये था 36.29। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी रही, नेट प्रॉफिट भी इसीलिए बढ़ते हुए नजर आया। इन्वेस्टर्स में देखें तो प्रमोटर्स ने यहाँ कुछ स्टेक कम किए, 35.61 हुए 35.63 से रिसेंट के क्वार्टर से। और एफआई ने कुछ यहाँ पे डिक्रीज किए स्टेक, 12.27 हुए रिसेंटली 15.36 थे। और वहीं पे आप देखेंगे डीआईआई में भी अपना इस बार स्टेक कम हुआ है, डीआईआई में 12.73% रहा है और रिसेंट जो क्वार्टर था उसमें अपना जून के क्वार्टर में 14 था। तो यहाँ पे जो एफआई में स्टेक है वो इंटरनेशनल फाइनेंस, स्मॉल कैप, हॉर्नबिल, गोल्ड पेन, गवर्नमेंट पेंशन फंड, और डीआई में जो स्टेक है वो निपन लाइफ इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई मोतीलाल। तो यहाँ ये कुछ स्टेक बनते देखने को मिले। अब यहाँ पे हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन रही है कुछ ये बनते हुए नजर आई है। एज इट इज ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट रहा, ब्रेकआउट भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ चला है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, डेली टीएफ पे आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया है, बट अभी चल सकता है वीकली टीएफ भी यहाँ पे क्योंकि मोमेंटम खींचने के लिए रेडी है। वो इसलिए बिकॉज स्टॉक काफी करेक्टेड हुआ, यहाँ तक करेक्शन आया था तो 47% एंजल वन करेक्ट हुआ था। और इस लो से अगर आप नोटिस करते हैं तो एंजल वन ने जो भी पोटेंशियल पकड़ा 60% अप हुआ है यहाँ पे 84 डेज में। तो एक रिट्रेसमेंट अभी फिर से बनेगा, उसके बाद फिर पोटेंशियल आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि 1RTF बहुत ओवरबॉट है, 80 पे ट्रेल कर रहा है, तो कुछ शॉर्ट टर्म रिट्रेसेस आएंगे तो वो 3100 के आसपास अभी लेके आ सकते हैं स्टॉक को। और मैक्सिमम अगर स्टॉक कहीं सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ रहा है तो अपन 50-50 पॉइंट्स के यहाँ पे सपोर्ट लेंगे। पहला तो अपन लेंगे 3200 का एक सपोर्ट, कि बाय एनी मीन्स कल कोई अप मूव रहता है तो ये कुछ सपोर्टिव रहेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आएगा अपना 3150 का, ये वाला जोन, और इसके बाद 50-50 पॉइंट के सपोर्ट सफिशियंट रहेंगे। इस तरह से आपको स्टॉक अगर पुलबैक बनाते हुए नीचे आ रहा है तो ये कुछ अपने लेवल रहेंगे जहाँ पे सबसे स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा 3000 का। तो कुछ ये अपने सपोर्ट हैं। और ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक फिर से कंटिन्यू कर रहा है रैली तो यहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट होंगे। नेक्स्ट टारगेट जाएगा यहाँ पे 3300 का और इसके बाद 3400 का, ये कुछ अपनी फॉर्मेशन रहने वाली है 34 और फिर इसी तरह से 3500 का इस जोन में। तो कुछ इस तरह से अपना स्टॉक चलेगा आने वाले दिनों में। तो ये सारे अपने एक तरह से रेजिस्टेंस रहेंगे और ये अपने सपोर्ट रहने वाले हैं। तो आई होप एंजल वन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्या मोमेंटम बन सकते हैं, कैसा क्या मूव रहेगा। तो भाई जैसे जो लोग अभी बाय नहीं कर पाए हैं, रैली मिस हुई है, तो वापस से स्टॉक पुलबैक बनाएगा, एक फिर से यहाँ पर रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से रैली करेगा, तब आप इसको एक अच्छे से फिर से कैप्चर कर सकते हैं और फिर मूव अपना ये पकड़ेगा। EMAs के अकॉर्डिंग देखें अगर तो EMAs के अकॉर्डिंग स्टॉक बुलिश हुआ है, सपोर्ट यहीं पे बन रहे थे 2600 और एकदम से सूट अप हुआ है। तो EMAs के अकॉर्डिंग भी स्टॉक काफी सही चलते हुए नजर आ रहा है और पोटेंशियल ये आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बरकरार रखेगा। तो आई होप एंजल वन बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं मार्केट आर में सुबह 11 बजे से और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूं, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।